छत्तीसगढ़ जिला राजनंद गांव में आदिवासी समाज के लोग मृतक टाकेश्वर कंवर को इंसाफ दिलाने लामबंद हो गए। दरअसल डोंगरगढ़ के ग्राम बेलगांव में कुछ दिन पहले टाकेश्वर कंवर की मौत हो गई थी, जिससे उनके घर वालों ने पुलिस पर सीधा आरोप लगाया कि उनके कारण उनके बेटे की मौत हुई है। परिवार के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया, लेकिन आज तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई और इस पर नाराज होकर परिजन सहित भारी संख्या में सर्व आदिवासी समाज द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपा गया। वहीं समाज ने 4 दिन का समय दिया है, कार्रवाई नहीं होने पर पूरे कलेक्ट्रेट का घेराव की चेतावनी भी दी गई है। हमारे घर में आज इसे जनपद बड़े बड़े हमारे नेता मन आ रही सही है के कांग्रेस के बीजेपी के वो भी मन हमारे मन के बात ला नहीं सुना थे और हम कलेक्टर ऑफिस एसडीएम ऑफिस भी गिरे हैं वो भी मन हमारे बात ला नहीं सुना थे। हमारे लड़का तो चले गए लेकिन हमारा आज छोटे से परिवार के न्याय पर भटक न्याय पर हमारा कोई आसरा नहीं मिला। अब आगे हमन करबो कि कलेक्टर ऑफिस ला घेराव करे के हमन है करें निर्णय ले हन। पूर्व में एसपी कलेक्टर को हमारे समाज के तरफ से पूरा जानकारी दे चुके हैं, फिर भी जिसके नाम से वहाँ कार्रवाई होना चाहिए डोंगरगढ़ थाना से वो कोई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है, इनके चलते वहाँ का टीआई और एसडीओपी उन आरोपियों को बचाना चाह रहा है। हमने इस मामला को लेकर के उन एसडीओपी से भी बात की है तो उनका कहना है कि जो पूर्व में जो रिपोर्ट उनके द्वारा नहीं हुआ है, अभी तक एफआईआर नहीं हुआ है ऐसा बताया गया, समझ से परे है कि वहाँ पर राजनीतिक दल 2 दिन पूर्व बेलगांव में 8 विधायक उसके घर में सहानुभूति जताने गए थे। हम उन विधायकों को भी हम मंच के माध्यम से कहना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि पूर्व में तुम्हारा अभी 5 महीना पहले सरकार था, हमारे समाज पूरे प्रदेश आप लोगों के पीछे पीछे घूमे, आप लोग को कोई बात ध्यान में संज्ञान में नहीं आया, आप लोग हमारे समाज के लोगों को भ्रमित करने का कोशिश ना करें और हम अपना लड़ाई स्वयं की लड़ेंगे। आज हम पूरे इनके पिताजी साथ में आए, हमारे सर्व आदिवासी समाज का जिला अध्यक्ष भाई जसवंत गौड़े जी हैं और पूरे आसपास के लोगों माताओं के साथ हम आए हैं। कलेक्टर एसपी को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से या फिर हर सर्कुलर हर जबान में मालूम है जिला या प्रशासन की को संज्ञान में है या बेलगांव में जो पीड़ित परिवार है जो आदिवासी परिवार से आते हैं गरीब परिवार उसको न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आज मुख्यमंत्री भी आदिवासी है फिर भी आज एक कंडीशन हो गया उसके सुनने वाला कोई नहीं है। तो आज हम सर्व आदिवासी समाज का बैठक लिए थे 21/7/2024 को सर्व आदिवासी समाज द्वारा पारित प्रस्ताव किया गया है कि यदि ये न्याय नहीं मिलेगा हमको तो हम सड़क की लड़ाई लड़ने के लिए बाध्य है समाज, क्योंकि गोल गोल प्रशासन के द्वारा घुमाया जा रहा है जबकि पुलिस बोल रहे हैं। यहाँ मेडिकल का भी सबसे बड़ा दोष है क्योंकि उस बच्चे को यदि लेके गए थाना मुलाजिम करने के लिए पहले तो डॉक्टर उसको बोलता है कि फिट है